कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू वेरी मच. बधाई हो. और जितने लोग यहां पर मौजूद हैं वो सब इस बात को मानते होंगे. एक बार सोलह ताली बजे पीछे तक गाइस, एक बार हाथ ऊपर करके कमान 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 कमान. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले. एंड थैंक यू वेरी मच. एक मिनट, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. एंड आई वांट टू थैंक अनुराग फॉर हेल्पिंग अस आउट विद दिस एंड मेकिंग श्योर दैट वी हैव अ गुड इंटरेक्शन. आप लोगों से बात कर सकें, कुछ सवाल हैं जो आपकी तरफ से हैं, कुछ इनकी तरफ से हैं, उन सबका जवाब दे सकें. एंड सबसे अहम बात यह है, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जितने भी लोग इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सराहा रहे हैं, जिनमें से आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर देयर बट देयर लॉट्स ऑफ देम हु आर नॉट हियर, आज इस महफिल के जरिए मैं सिर्फ ऑन बिहाफ ऑफ दीपिका, ऑन बिहाफ ऑफ जॉन, ऑन बिहाफ ऑफ सिड, ऑन बिहाफ ऑफ आदि, डिंपल जी, आशुतोष, ऑल ऑफ देम आई वांट टू से अ बिग थैंक यू फॉर द लव दैट यू ऑल हैव गिवन द फिल्म पठान. सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका. दूसरी बात, हम लोग जो हैं इसलिए नहीं, और जो 11 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं प्लीज चुप हो जाए. मैंने अच्छा, जो 22 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं वो चुप हो जाएं, जो 33 लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ कलेक्शन जैसा होने लग गया. क्या बात है. बट आई जस्ट वांट टू से दैट हम तीनों इसलिए नहीं, कोई चॉइस से या किसी वजह से या किसी मकसद से, वी हैव नॉट मेट अप विद द मीडिया. इट्स नॉट दैट. द फिल्म वॉज शॉट ड्यूरिंग कोविड. बाय द टाइम वी फिनिश्ड इट, सबसे ज्यादा ऑफकोर्स सिद्धार्थ और उनकी जो टेक्निकल टीम है, सारे बच्चे हैं, आदि एंड द प्रोडक्शन टीम हैड वर्किंग वेरी हार्ड. बट वी ऑल्सो, बिकॉज द फिल्म एंटेल्स सो मच वर्क, हम भी उसी में लगे हुए थे, तो किसी से मुखातिब नहीं हो सके, मिल नहीं सके. बट समवेयर डाउन द लाइन वी आर ऑल द सेम टीम, सिनेमा, मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, एंड एवरीबडी हैज शोन सो मच काइंडनेस टू द फिल्म. आई नो एवरीबडी इज नॉट हेयर, बट ऑल ऑफ अस अगेन आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. First to the audience, second to all the people in media for supporting the film so much, in spite of the fact that there might have been things that could have curtailed the happy release of this film. I just want to say there's so much love from all sides, and we can never show enough gratefulness. Not only us, the whole film industry, what is rightly or wrongly called Bollywood or the Indian film industry. I think we thank you on behalf of all our colleagues and friends in the film industry for bringing life back to cinemas. So bahut bahut aap sab ka dhanyawad. Ab hum sawal jawab karenge. Har bari 5 7 10 log hi chillana so that we can hear the answers, kyunki between you and me sabse acche answers Siddharth ne prepare kiye aaj ke liye. Siddharth aaj shave karke bhi aaye hain. और मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ आज नहाकर भी आए हैं. बेचारे पठान में इतने व्यस्त थे, खाने पीने नहाने धोने का वक्त ही नहीं मिला, तो आज पहली बार प्रेजेंटेबल. हम तो पहचाने नहीं जब अभी भी मिले सुबह उनसे. जॉन जो बहुत ज्यादा बात करता है वो और भी ज्यादा बात करेगा आज. और दीपिका और मेरा तो आपको मालूम ही है, हमें तो सिर्फ बहाना चाहिए प्यार करने का, किस करने का, गले लगने का. आप जो सवाल पूछेंगे मैं इसके हाथ को किस कर दूंगा, वही जवाब होगा. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आई विल हैंड यू ओवर टू अनुराग बिकॉज वी हैव टू गो ऑन विद इट. एंड आई वांट टू थैंक मनन एंड द होल यशराज टीम फॉर मार्केटिंग, फॉर बीइंग सो काइंड, एंड एवरीबॉडी. देयर लॉट ऑफ थैंक्स टू बी सेड टू लॉट्स ऑफ पीपल. अनुराग, आई ऑल्सो लव यू वेरी मच. थैंक यू शाहरुख. देख रहे हैं आप कितना जोश है. और एक बार फिर से पूरी टीम को, इन तमाम मीडिया वालों को कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया. थैंक यू वेरी मच.
और ये प्यार ऐसे ही बना रहे शाहरुख खान यशराज के साथ में, दीपिका के साथ में, जॉन के साथ में, ये प्यार ये मोहब्बत है। बहुत शाहरुख हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं सिर्फ फिल्में करता हूँ प्यार पाने के लिए, मैं बच्चों की तरह हूँ, आप मुझे बच्चों की तरह प्यार से रखेंगे मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। और वाकई शाहरुख ने इस बात को सिद्ध कर दिया है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। यशराज फिल्म्स की हमेशा एक खास बात रही है कि वो शाहरुख खान को हमेशा बिल्कुल प्यार से रखते हैं, और इतनी बड़ी फिल्म देखने के लिए, और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में 100 साल में ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना जो पठान ने बनाया है, इसलिए बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। तो सबसे पहले शाहरुख आपसे शुरू करता हूं मैं कि 4 साल बीच में कोविड आया, उतार चढ़ाव आए, फिल्म बन रही थी फिर रुक रही होगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल इन 4 सालों का? क्योंकि तकलीफ भी हो रही होगी कि यार फिल्म क्यों नहीं जल्दी बन रही है, क्यों रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि एक्टर के लिए जरूरी है कि यार जल्दी से पर्दे पर आए फिल्म। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? द 4 इयर्स दैट आई डिड नॉट, मतलब 2 साल, बिकॉज 1.5-2 साल तो हम काम ही कर रहे थे साथ में। आई थिंक हैव सम गुड पार्ट्स एंड हैव सम बैड पार्ट्स लाइक इन ऑल आवर लाइव्स बिकॉज ऑफ कोविड, एंड मेरे लिए भी वैसा ही था। तो 1-2 साल मैं काम नहीं किया, आई वॉन्टेड टू बी विद द चिल्ड्रन। तो अच्छी बात ये थी कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ फर्स्ट हैंड देख सका, आर्यन को, सुहाना को, अबराम को, एंड आई कुड स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरी अच्छी बात ये हुई कि मुझे लगा कि मेरी आखिरी फिल्म चली नहीं थी, तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेंगी नहीं, तो मैंने ऑल्टरनेट बिजनेस सोचना शुरू कर दिया। मैंने खाना पकाना सीखा कि रेस्टोरेंट खोल लूँगा, उसका नाम रखूँगा रेड चिलीज फूड ईटरी। तो मैंने इटालियन खाना बनाना सीख लिया, तो वो अच्छा हो गया। अब क्या है कि मैं जब शूटिंग पे जाता हूँ तो सिद्धार्थ जो बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा उनकी सारी बुराइयाँ आज मैं आपको बता दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था इनसे। सो ये इनको खाना बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर 10 डेज ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई वर्क, लेकिन मैंने हर रोज इसको पिज्जा खिलाया सेट के ऊपर, तो उसने कहा चलो ठीक है बाकी फिल्म मैं इसके साथ कर लूंगा। सो ये अच्छी बातें हुई। बुरी बात में यही है कि घर बैठे रहे। अच्छी बात ये भी हुई कि मुझे जब मालूम पड़ा जॉन फिल्म कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, एक हमने एंडोर्समेंट साथ में छोटी सी की थी। जॉन इज अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, व्हेन आई केम टू मुंबई वी गॉट टू नो ईच अदर, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड नॉट वर्क टुगेदर। एंड हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, बट आई रिक्वेस्टेड हिम, सिड रिक्वेस्टेड हिम, एंड वॉज वेरी काइंड। फिर मैं डर गया कि जॉन के साथ मुझे एक्टिंग करनी है तो बॉडी शॉडी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो मैंने वर्कआउट किया जो जॉन ने भी मुझे काफ़ी सिखाया। सो हाँ, जॉन को तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, 2-4 सीन में मैं ऐसे किस भी करने वाला था, इतना करीब आ गया था उन्हें। और मैं बताना चाहूँगा कि जॉन ने भी ट्राई किया, ऐसे नहीं एक तरफा मोहब्बत है ये, उसने भी ट्राई किया, तो हम दोनों की बहुत मोहब्बत है। बट इट्स नाइस टू बी बैक। मैं जल्दी में कभी नहीं रहता कोई फिल्म ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये जेन्युइन डिज़ायर है, ये सिर्फ एक्टर की तरह नहीं बोल रहा, इंटरव्यू में नहीं बोल रहा, मेरी जेन्युइन डिज़ायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूँ। और जब मैं उसमें फेल होता हूँ, किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों को खुशी बांट सका, और उन लोगों के से बांट सका जो मेरे बहुत ही करीब हैं, आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। क्योंकि एज यू विल नोटिस द फिल्म इज़ अ वेरी बिग फिल्म, इट विल बी एन एक्सपेंसिव फिल्म, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग फिल्म, बट टू गेट मी एंड गिव मी अ चांस टू कम एट द टाइम व्हेन आई वाज़न्ट वर्किंग एंड अलाउ मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, आई विल एवर एवर बी ग्रेटफुल टू आदित्य चोपड़ा एंड सिद्धार्थ एंड देन टू दीपिका ऑफ कोर्स। मैं उसको ग्रेटफुल नहीं कहता, मोहब्बत कम हो जाती, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से टू बी पार्ट विद फ्रेंड्स एंड एंजॉय दिस फिल्म। मैं वो 4 साल भूल गया हूँ पिछले 4 दिन के अंदर। These 4 days are the happiest. And thanks to all of you, जो लोगों ने पिक्चर देखी है, इसलिए शाहरुख 4 साल की पुरानी बातें भूलकर ये सिर्फ 4 दिन याद कर रहे हैं जो तकरीबन 500 करोड़ रुपए कमाने जा रही है। जोरदार ताली बजाइए पूरी टीम के लिए, कमान। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोग जो चाहे जयपुर में हो, इंदौर में हो, उज्जैन में हो, राजस्थान किसी कोने में हो या आंध्रा किसी कोने में हो, बधाई हो उन तमाम लोगों को। और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, उफ, एक बार जोरदार तालियां दीपिका के लिए। तुमको पाया है तो ऐसे खोया हूं। मैं सबके इंट्रोडक्शन में गाना गाऊंगा ये दीपिका के लिए। दीपिका कितना अच्छा गाना गाते हैं, कभी सेट पे गाया था इन्होंने इतना? सेट पे हाँ नहीं, इस बार तो इन्होंने मुझे खाना खिलाया, जैसे पहले कह रहे थे आई नो, पिज्जा खिलाया बहुत बार, वाओ, बट
Unfortunately, I was on a very, very strict diet, so I couldn't have his pizzas too often. But yeah, he's a good singer. तो सबसे बेस्ट गाना कौन सा गाते हैं या आपने कभी फील किया कौन सा गाते हैं कौन सा गाना गाते हैं कभी आपको गा के सुनाया जैसे अभी गा के सुनाया ना वो तो हम लोगों ने इसलिए सुनाया आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं दिल को बना दे जो पतंग सांसे तेरी वो हवाएं हैं वेरी गुड दीपिका तो पहली आपकी जिंदगी की सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट कह सकता हूँ ब्लॉकबस्टर फिल्म है आपके करियर की कैसा फील कर रही है क्या बोलना चाहेंगे एक्चुअली सबके करियर की सबसे बड़ी फिल्म है यार मैं आ रहा हूँ सबके आ रहा हूँ धीरे धीरे ये तो सबके लिए है बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक वी सेट आउट टू ब्रेक रिकॉर्ड्स We set out to make a film with love, with the right intentions. And most importantly, I think we had a good time. This is something Shah Rukh taught me in my very first movie. He said, try and work with people you know you're going to have a good time with. Or I think that makes a huge difference. I think. रोज जब हम सेट पे जाते हैं और लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है जिनको आप प्यार करते हो और देयर इज नो टेंशन देयर इज नो इट्स सच अ लवली एटमॉस्फेयर टू वर्क इन एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द ऑडियंस इज टेकिंग बैक एज वेल बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली द इंटेंट विद विच वी मेड दिस मूवी विद जस्ट प्योर लव एंड जॉय एंड टू ब्रिंग द ऑडियंस टुगेदर And to hopefully bring joy into their lives. That was the intention. It was pure. And I think that's what we're seeing today. Wow, kya baat hai. Is mein John maujood hai. John Jim. Kya baat hai, yaar. Toh kaisa laga aapko? Jab pehla narration diya gaya tha, itna handsome. Dhum machale. Come on, you people. Sabke liye gaana karunga. Ji, haan, haan, sabke liye. Sirf teri baari bhi aane. John, microphone lijiye. तो ये जिम का कैरेक्टर यार बहुत कमाल मतलब पहला क्या नरेशन मिला आपको क्या बोला गया था नहीं पहले तो मैं ये मौका नहीं मिलेगा सो आई वुड लाइक टू से दिस ऑन स्टेज जो आदमी यहाँ पे नहीं है आदित्य चोपड़ा मैं आई वुड लाइक टू थैंक आदित्य चोपड़ा क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे पोजिशन करते हैं जैसे धूम में न्यूयॉर्क में और आज पठान में आई थिंक आई गिव ऑल क्रेडिट टू आदित्य चोपड़ा फॉर सिटिंग योर फर्स्ट उसके बाद मेरे जो डायरेक्टर है यहाँ पे आई थिंक ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग मी एंड एंड द एंटायर कास्ट फॉर द वे वी बीन प्रेजेंटेड कंग्रेचुलेशन सिड यू आर द हीरो ऑफ दिस फिल्म ऑल्सो सो लॉली कंग्रेचुलेशन वो सिड का पेट नेम है लॉली ओके और वेरी इंपॉर्टेंट मुझे शाहरुख के साथ काम करने का मौका मिला Like, you know, we all say Shah Rukh today is, I don't think he's an actor anymore, he's an emotion. Ah, kya baat hai. Bilkul sahi. It's beautiful. Isiliye I nearly went to kiss him in a lot of the scenes. So, it's really a beautiful experience. And Deepika ke saath toh main kaam kar chuka hoon pehle, but seeing her growth always makes me happy. Jo maine kaha bhi, she's a wonderful person. तो पहले तो और इसके अलावा सॉरी आई जस्ट वांट टू थैंक अ फ्यू पीपल इफ इट्स ओके हमारे जो एडिटर है आरिफ हमारे राइटर अब्बास हमारे जो स्क्रीन प्ले पर्सन है वेरी इंपॉर्टेंट पीपल हमारे टेक्नीशियंस श्रीधर राघवन सचित जो हमारे कैमरामैन है रजत जो हमारे प्रोडक्शन सचित पॉलोस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर है और संचित हमारे जो बीजीएम है आई थिंक यू ऑल एंजॉय द बीजीएम इन दिस फिल्म Outstanding. Vishal Shekhar, who has given two fantastic songs without me. but they were fantastic songs. And you know, when you see those songs and you see Shah Rukh and Deepika, I think you see probably the most beautiful man and the most beautiful woman in that song. They're beautiful. So congratulations. So I think Inko and the entire team, Manan and all of you, Akshay Vidani and everybody at Yashraj,
जिस तरीके से इन्होंने इस फिल्म को माउंट किया है, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, अ प्रोड्यूसर इज द रियल हीरो ऑफ अ फिल्म. आई थिंक ही इज ऑन टॉप टू, एंड आई थिंक आदित्य चोपड़ा डिजर्व्स ऑल द प्रेज. एंड when you see someone like Shahrukh after 4 years and coming in and looking so good, and probably I'd say मैं सोच रहा था कि मैं एक्शन हीरो हूँ, but I think Shahrukh is today the number one action hero in the country. Yeah. So it's just a nice gathering here. मुझे पता नहीं ये हमारी लाइफ का, I think it's going to be my biggest hit for a long time. I don't know, but I just wanted to thank everybody who's important. ये मेरे लिए बहुत जरूरी था. So thank you everyone, and thank you to the media and the fans who have supported this film all the way through. So a very big thank you to everyone in the media. You all have been superb, superb, and all Shahrukh Khan fans, all Deepika Padukone fans. And some of my fans, I love you. All of you, I love you all. You have been fantastic. So I think I've covered up most of. Very good. Producer नहीं है मतलब producer काम पूरा कर दिया आपने. नहीं ये बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि Aditya Chopra is a little like I believe like me, because I like being private. और वो बहुत ही private आदमी है. I think Shahrukh knows him the best. He's very scared of. He doesn't come out in the media. तो उनको thank you कहना बहुत जरूरी था. He's really very fantastic. क्या बात है, मतलब पूरी टीम को लाना एक साथ बुलाना और ये सब काम किया है सिद्धार्थ आनंद. एक बार जोरदार ताली चाहिए सिद्धार्थ के लिए. कम ऑन गाइस. सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते. क्या बात. तो हर क्वेश्चन के पहले गाना गाएंगे शाहरुख. हाँ, और आप अपने गाने से सोच लीजिए कौन कौन से नहीं गवाने हैं पीछे से. आप वो मैं करूंगा. करेंगे ना आप? करेंगे, करेंगे. इसके बाद ओके. तो वॉर एक बड़ी फिल्म यार, मतलब मानना पड़ेगा. उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म पठान, कैसा था रिएक्शन जब धीरे 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 मैसेजेस आने लगे, लोगों का रिएक्शन आने लगे, तो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? एक्चुअली ये पहली बार, मैं 20 सालों से फिल्में बना रहा हूँ, एंड आई बीन सेइंग इट, ये पहली बार था मेरे करियर में जब मैं एक्चुअली नर्वस था. आई थिंक गौरी हैड आस्क्ड मी द क्वेश्चन 2-3 डेज बिफोर द रिलीज, दैट आपको नींद आती है रिलीज से पहले? मुझे बहुत अच्छी आती है. अच्छा? और मैं आराम से उठता हूँ, और हर पिक्चर मैं गया हूँ एक सिंगल स्क्रीन में देखने के लिए गेटी 12 बजे के शो पे, और मैं हमेशा 11:45 बजे उठा हूँ हमेशा, और मैं भाग के गया हूँ गेटी. इस टाइम हम लोग साथ में थे आई थिंक 3-4 बजे तक, और मैं सोया ही नहीं. और क्योंकि उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं रोहन, उन्होंने 6 बजे का शो डाल दिया था. तो पहली बार हमारी एक फिल्म 6 बजे रिलीज़ हो रही थी सुबह. तो ऑब्वियसली 6 बजे से हमारी धक 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 शुरू हो गई थी. एंड स्ट्रेंजली मैं इतना नर्वस था, एंड अब पता चला क्यों, क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली थी. तो एक अंदर फीलिंग, एक होप, एक प्रेयर थी, एंड वो पूरी हो गई. एंड सो मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, एंड आई थिंक मैं हर रिलीज से पहले अब नहीं सोऊंगा. पर उसके लिए वादा करना पड़ेगा, अगर रात को जगना चाहते तो सिर्फ शाहरुख खान ही है, ना सोता है ना सोने देता है. बस गाने भी गाते हैं बहुत. हाँ, गाने भी गाते हैं. गाते हैं तो आप वादा कीजिए कि हर फिल्म आप में शाहरुख होंगे, ऐसा कुछ? ये इनको बोलो वादा करने को. मुझे इसे ना सुबह सुबह 6:30 बजे फोन किया. मैंने किया एक्चुअली 6:30. ओके. मैं भी उठ गया. हाँ. तो इन्होंने पहली बात ये नहीं बोली कि क्यों जाग रहे हो, परेशान हो. इसने कहा अबे तू शूटिंग पे तो कभी नहीं आया 7 बजे. नेक्स्ट फिल्म के मैं तुझे अब 7 बजे बुलाऊंगा. तो मैं बहुत डर गया, और मैं अब बिल्कुल उठता भी हूँ, मैं हर रोज अभी भी उठ जाता हूँ, बिकॉज दिस इज फॉर जॉन, माइसेल्फ, दीपिका, सिद्धार्थ, आदि, एवरीबडी इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्टली. और मैं सबके बिहाफ पे कहूँगा कि दिस इज एन एक्सपीरियंस विच इज स्टिल नॉट संक इन. अभी तक हमको ये एहसास भी नहीं हुआ है कि ये फिल्म जो है कितना लोग इसको प्रेम दे रहे हैं. एंड दैट्स वाई इस वाले इंटरव्यू में, जो हमारा पहला इंटरव्यू है, हम कुछ ज़्यादा ही शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, गॉड का, अल्लाह का. वी विल बी थैंकिंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व विद दिस फिल्म, ऑल द मीडिया, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से द पावर्स दैट बी, बिकॉज देर वर टाइम्स वेन वी हैड टू मेक कॉल्स टू पीपल and say ki please hamari film ko prem se release karwa dein, and they all took charge of it, and we were so happy that the film was released with so much. Mere liye sabse badi shukriya ada ki baat ye hoti hai ki log film prem se dekh saken.
हालांकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो स्क्रीन में इतना चिल्ला रहे हैं और चला, मुझे लगता है दो चार सीटें तो तोड़ी होंगी, बट स्टिल इट शुड नॉट हर्ट एनीवन, इट शुड नॉट डिस्टर्ब एनीवन, बिकॉज फिल्म वॉचिंग, फिल्म मेकिंग, फिल्म एक्सपीरियंस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ लव, एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट. सो आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी हु हैज हेल्प्ड अस आउट without making it a big thing, just helping us out, making a fine film, releasing it for fine people, and hopefully it will give fine feelings to the world, because film ka aur kuch kaam nahi hota, choti si cheez hoti hai yaar, actually film mein kuch badi cheez nahi hai, entertainment hai, khushi ka ek zariya hai. So if it can just come out with love and people enjoy it with love, aur na bhi achhi lage to koi baat nahi, har tarah ki cheezein aati hain achhi aur buri, but I think there should be a lot of happiness and love when parents, children, families go to watch films in cinema theaters, boyfriends, girlfriends, husbands, wives, brothers, sisters, they should just feel happy that this film was an experience more than just an empty pack of popcorns. It should be nice, and I'm so happy it's happened. I love you too. Main bhi shuru kar raha hu dating services ke baad. Next weekend se sab apne telephone number bhej dena abhi tak.